तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नहीं चार पर्टिकुलर प्रोफाइल पे जॉब। अगर आप फ्रेशर हैं डेफिनेटली आप यहाँ पे जॉब को अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ऑन दिस चैनल वी आर मेजरली फोकस ऑन फ्रेशर कैंडिडेट। चारों प्रोफाइल क्या हैं, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब चीज़ें डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ चारों प्रोफाइल के टाइटल। पहली जॉब है हमारी ग्राफिक डिजाइनर की, सेकंड जॉब है हमारी ब्रांड मार्केटिंग मैनेजर लेवल पे जहाँ पे ओनली वन ईयर के एक्सपीरियंस में आप मैनेजर लेवल की पोजीशन पे भी हायर हो सकते हैं। सेकंड है हमारी कंटेंट एंड कॉपीराइटर जो फ्रेशर के लिए है, हमारी डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की। तो चारों प्रोफाइल पे हायरिंग निकली है। फुल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और एडवांस में कहूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें क्योंकि इस पर्टिकुलर जॉब को आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अप्लाई कर सकते हो, 100% रियल है, सारी चीजें आपको स्क्रीनशॉट और वीडियो शेयरिंग के थ्रू ही आपको यहां पे मिल भी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू JBR जॉब वैकेंसी रिजल्ट चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं सचिन चौहान आपके लिए लेके आ चुका हूं एक और बेहतरीन जॉब की अपडेट फ्रेशर कैंडिडेट को कंसीडर करते हुए, क्योंकि सबसे ज्यादा कमेंट फ्रेशर कैंडिडेट के ही आ रहे हैं। तो सबसे पहले पहली जॉब के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं जो कि हमारी ग्राफिक डिजाइनर की है। और इससे पहले मैं एक ओवरव्यू भी दे देता हूँ जिसकी आपको सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है। लोकेशन इसकी वर्क फ्रॉम होम है जब तक पैंडेमिक सिचुएशन, उसके बाद आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस ज्वाइन करना पड़ सकता है। जहाँ पे ऑफिस इनका बैंगलोर गुड़गांव जहाँ पे भी अवेलेबल रहेगा वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा, पर ऑफिस पे आपको ज्वाइन करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ को माइंड में ज़रूर कंसिडर करें। जो सैलरी पैकेज है डिपेंड करेगा आपके स्किल सेट पे, आपके एक्सपीरियंस पे। सैलरी पैकेज यहाँ पे स्टार्टिंग 2 लाख से और मैक्सिमम यहाँ पे 8 लाख रुपए तक भी है। तो सैलरी नेगोशिएशन आपको अपने एंड से देखनी पड़ेगी। अगर बात करें एज लिमिट की तो एज लिमिट कुछ नहीं दी गई है, आपकी एज कुछ भी है डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें क्वालिफिकेशन की, यहाँ पे ऐसा भी कुछ नहीं है, अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। ये फुल टाइम जॉब है तो अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट वाला कैंडिडेट मिलता है तो उसे फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी, पर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई, आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट है डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप यहाँ पे डेडिकेटेड टाइम कंपनी को दे पाओ। तो इस चीज को आपको कंसिडर करना है कि आपको ये अप्लाई करनी है या नहीं करनी। यहां पे कोई क्वालिफिकेशन की स्पेशल डिमांड नहीं रखी गई है, सारा फोकस स्किल सेट पे किया गया है, किस टाइप के स्किल की डिमांड करी गई है वो आपको टाइटल के अकॉर्डिंग और वीडियो के अंदर डिटेल में पता चल जाएगी। तो जैसे मैंने आपको बताया हमारा फर्स्ट जो टाइटल है वो है ग्राफिक डिजाइनर का, तो यहां पे जो चीज की डिमांड करी गई है, अगर आपको मार्केटिंग डिजाइन से रिलेटेड भी नॉलेज है काफी अच्छी बात रहेगी। एक्सपीरियंस 0 to 3 है। यहां पे आपको सोशल मीडिया हो गया, डिजाइन फॉर प्रिंट हो गया, वेबसाइट हो गया, वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड भी आपका थोड़ा थोड़ा काम रहने वाला है। तो अगर आपको कोई पे सॉफ्टवेयर आता है वीडियो एडिटिंग का तो अपने रिज्यूम में यार उसे मेंशन जरूर करना, आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलने वाला है। साथ में यहाँ पे बताया गया है कि आप मेजरली डिजिटल एंड सोशल मीडिया के बैनर्स पे काम करोगे, मतलब आप किस तरीके से इनके ऑडियंस को मैक्सिमम गैदर कर सकते हो, मैक्सिमम इंप्रेशन इनके कंटेंट पे ला सकते हो। तो डिजाइनिंग और क्रिएटिविटी पे ज्यादा फोकस किया गया है। साथ में यहाँ पे कुछ चीजें बताई गई हैं, अगर आपको इनसे रिलेटेड नॉलेज है, इन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नॉलेज है तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस जरूर मिलने वाली है, जिसके अंदर अडोब का CS हो गया, प्राइमरी हो गया, इंस्टॉलेटर हो गया, फोटोशॉप भी हो गया, आपका आफ्टर इफेक्ट हो गया, प्रीमियम प्रो हो गया। तो आप देख सकते हो सारे अडोब के सॉफ्टवेयर हैं, नॉलेज है तो यहाँ पे मेंशन जरूर करना है, स्पेशली आप ये चीज़ें उनको बता भी सकते हो। अगर आपका कोई पास्ट का वर्क इन पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे हुआ है तो उस चीज़ को भी आप अपने रिज्यूम में एड ऑन कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे मोशन ग्राफिक और एनिमेशन से रिलेटेड भी स्किल्स आते हैं तो आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलने वाला है। ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो सैलरी नेगोशिएशन का पार्ट होता है ना, यहाँ पे आप जितना एक्स्ट्रा होकर ये चीज़ें बताएंगे कि आपको ये स्किल सेट भी आता है, आपको इस चीज़ से भी नॉलेज है, तो यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस तो इंक्रीज होती हैं, सैलरी पैकेज भी आपका इंक्रीज हो जाता है। तो इस चीज को कंसीडर जरूर करें अगर आप ग्राफिक डिजाइनर के लिए अप्लाई करने वाले हैं। यहां पे अप्लाई का URL लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल करवा दूंगा। यहां पे आप क्लिक करेंगे हमारी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे जहां पे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में मिलेगी जो इस समय आपको मैं ओरली बता रहा हूं। इसके बाद आपको क्या करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा, आप जब बेसिक इंफॉर्मेशन देंगे तो हम भी HR को आपकी इंफॉर्मेशन आगे रीडायरेक्ट कर देंगे और आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी रीडायरेक्ट हो जाएंगे जहां पे आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे ऑफिशियल वेबसाइट का जो मैं लिंक अवेलेबल करवा रहा हूं वहां पे जाके आपसे अप्लाई करवा रहा हूं, इसके 2 मेजर रीजन है। पहला रीजन है जिससे आप सभी को पता चले ऑन दिस चैनल वी आर द प्रोवाइडेड 100% रियल जॉब्स अपडेट। सेकेंड वन, अगर आप डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करेंगे तो आपको रिवर्ट बैक जल्दी आ सकता है और आपका सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है, जो पूरी ड्यूरेशन है, वो कम हो जाएगी, जिससे आपको जल्दी से जल्दी जॉब लग जाएगी। चलिए चलते हैं अपनी सेकेंड जॉब की तरफ जो कि निकली है ब्रांड मार्केटिंग मैनेजर की। यस, टाइटल से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किस टाइप के स्किल सेट की डिमांड करी गई है। नहीं हुआ क्लियर, डोंट वरी, मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, पर फुल इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे मिलेगी। तो प्लीज़ नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, क्लिक करके एक बार जाके चेक जरूर करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप सुटेबल कैंडिडेट भी हों और आप उसको अप्लाई भी ना कर पाएँ।
तो यहाँ पे एक्सपीरियंस की डिमांड है 1, 2, 3 जस्ट मिनिमम एक साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे डिमांड करी गई है। किस चीज में एक साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो आपका ब्रांड मार्केटिंग से रिलेटेड होना चाहिए, जिसके अंदर आप डिजिटल मार्केटिंग को भी इंक्लूड कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे किसी और पर्टिकुलर मार्केटिंग से रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो वो भी काउंट हो सकता है, मेक श्योर वहाँ पे डिजिटली वर्क आपने किया हो। साथ में यहाँ पे डिजाइन एंड कंटेंट से रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, बेसिक नॉलेज ऑफ सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपका एक्सपीरियंस के अंदर बताया। साथ में यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होगा आपका क्लाइंट इंटरेक्शन, आप क्लाइंट से किस तरीके से डील करते हैं, क्योंकि आपकी जो पोजीशन होगी वो होगी मैनेजर लेवल की, आपको मेजरली क्लाइंट से डील करनी पड़ेगी, क्लाइंट से इंटरेक्शन करना पड़ेगा। तो आप किस तरीके से क्लाइंट से इंटरेक्शन कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी टीम का वर्क की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, तो ये सारी चीज मेजरली कंसिडर करी जाएगी आपके इंटरव्यू टाइम पे, और आपके स्किल सेट को जज किया जाएगा इन सब पैरामीटर्स के ऊपर। तो मेक श्योर इन सब चीजों पर थोड़ा फोकस करें और अपने इंटरव्यू से जाने से पहले अपने स्किल्स को थोड़ा सा पॉलिश जरूर कर लें। साथ में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्रिएटिविटी स्किल्स पे भी कंसिडर किया जाएगा, अटेंशन टू डिटेल पे भी कंसिडर किया जाएगा। और सबसे ऑसम जो पॉइंट मुझे लगा जो इन पर्टिकुलर चारों प्रोफाइल के लिए दिया गया है, मैं आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर देता हूँ, एंजॉय मूवी। तो यहाँ पे जॉब के डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है, जो मूवी को एंजॉय करता हो, जिसको ट्रिप्स पे जाना पसंद हो, मतलब छोटे छोटे जो ट्रिप्स बनते हैं कंपनी में या लोग ट्रैवल करते हैं उसे पसंद हो, साथ में सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा इंगेज रहता हो, मतलब उन्हें एक हाईली क्रिएटिव पर्सन चाहिए, एक पैशनेट पर्सन चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आप वो पर्सन हो जिसके अंदर क्रिएटिविटी भर भर के बसी हुई है और आप बस यहाँ पे कुछ ना कुछ नया इनोवेशन करना पसंद करते हो, तो डेफिनेटली दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए ही होने वाली है। इस अपॉर्चुनिटी को मिस बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस टाइप की डिमांड जो आज के टाइम में पैशन होता है लोगों का, उस टाइप की डिमांड इसके स्किल सेट में करी गई है। तो अप्लाई जरूर करें, लिंक नीचे आपको मिल जाएगा। चलते हैं अपनी तीसरी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। तो दोस्तों हमारी तीसरी प्रोफाइल है कंटेंट एंड कॉपी राइटर की। टाइटल से क्लियर हो जाता है कि आपका राइटिंग से रिलेटेड वर्क होने वाला है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन की तो स्ट्रॉन्गली डिमांड करी गई है आपके वर्बल और रिटन दोनों की। एक्सपीरियंस 0-3 है, अगर आप फ्रेशर हैं अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं राइटिंग के अंदर कंटेंट के अंदर, तो डेफिनेटली आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है। यहाँ पे जो स्किल सेट की मेजरली डिमांड करी गई है, आपको SEO फ्रेंडली आर्टिकल लिखना है। व्हाट इज द SEO? SEO किस चिड़िया का नाम है थोड़ा सा पर्सन को लग रहा होगा, तो SEO आपका होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब अगर आप आर्टिकल लिखते हैं इंटरनेट पर अपलोड करते हैं तो आप कीवर्ड पे जरूर फोकस करें, मतलब आर्टिकल के टाइटल को, आर्टिकल के डिस्क्रिप्शन को, आर्टिकल्स के मेटा टैग को इतने अच्छे से कंसिडर करें कि वो कीवर्ड को कंसिडर करके SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की रैंकिंग में ऊपर आ सके। तो इस टाइप की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अगर आप आर्टिकल से रिलेटेड इस जॉब में अप्लाई करने चाहते हैं। साथ में यहाँ पे एबिलिटी टू राइट सोशल मीडिया भी लिखा गया, मतलब आप सोशल मीडिया पे वो छोटी छोटी जो आप पोस्ट देखते हो ना, तो वो चीज भी आपको करनी आनी चाहिए, जिसके अंदर आपको कैप्शन से रिलेटेड अट्रैक्टिव कीवर्ड आपको लिखने आने चाहिए। साथ में यहाँ पे एबिलिटी टू रिसर्च पे भी बहुत मेजरली फोकस किया गया है कि आपको अगर टाइटल दे दिया जाए तो उससे रिलेटेड आपको अगर आर्टिकल लिखना है तो क्या क्या डाटा आप उसके अंदर एड ऑन कर सकते हो, क्या रिसर्च करके आप यूनिक कंटेंट उसके अंदर लिख सकते हो, क्या स्टैटिक्स चीजें उसके अंदर शो कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे दो लाइनों के टाइटल से 2000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखना आना चाहिए, ये चीजों पर आपको मेजरली फोकस किया गया। इंटरव्यू टाइम पे भी आपको इस तरीके से चीजें पूछी जा सकती हैं। आपने बचपन में वो गेम्स जरूर खेली होगी जहां पे क्या होता है कि आपको एक वर्ड दे दिया जाता है और बोला जाता है यार इस पे 2 मिनट बोलो, तो इस टाइप का इंटरव्यू आपका हो सकता है। इंटरव्यू के 3 यहां पे राउंड होंगे, जो ऑलरेडी कैंडिडेट इंटरव्यू दे रहे हैं उनसे मेरा डिस्कशन हुआ था, तो कह रहे हैं कभी 3 राउंड है कभी 2 राउंड है, डिपेंड कर रहा है कि आपके राउंड किस तरीके से जा रहे हैं। तो यहां पे जो सेकंड राउंड होता है HR के साथ, वहां पे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि वो एक कोई टॉपिक दे देते हैं और उस टॉपिक पे आपको 2 या 3 मिनट कंटिन्यूसली बोलना पड़ता है अपनी क्रिएटिविटी को एड ऑन करते हुए। तो ये सब चीजें आपको कंसिडर करनी है इंटरव्यू टाइम से पहले। चलते हैं अपनी फोर्थ और लास्ट प्रोफाइल के ऊपर, जहां पे हायरिंग निकली है वो है आपकी डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। ये इस टाइप का टाइटल है कि मोस्ट ऑफ लोगों को पता ही रहता है कि आपका काम यहां पे क्या रहेगा। यहां पे एक्सपीरियंस 1-3 है, मतलब 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहां पे मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं, जहां पे 1-1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया तो डेफिनेटली ये रिज्यूम में तो चीजें देख रहे हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है पर आपके पास कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है, फ्रीलांसर प्रोजेक्ट किया हुआ है, या आप कोई प्रैक्टिकल नॉलेज उन्हें दिखा सकते हो, तो एक्सपीरियंस की भी नीड नहीं है। यस, मैं अगेन बोल रहा हूँ, अगर आपका स्किल सेट स्ट्रॉन्ग है, आपके पास प्रैक्टिकल कोई प्रोजेक्ट है जो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं है तब भी वो आपके रिज्यूम को देख सकते हैं और आपको इंटरव्यू पे तो जरूर बुला सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के अंदर आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। SEO हो गया आपका, SMM हो गया आपका, PPC हो गया, इनसे रिलेटेड बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। साथ में यहाँ पे आपको सेल्स फनल से रिलेटेड भी काम आना चाहिए।
चाहिए। सेल्स फनल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए रखी गई है क्योंकि यहाँ पे जो क्लाइंट होंगे, क्लाइंट को एक फाइनल सेल से रिलेटेड चीज़ें देनी पड़ती हैं। तो किस तरीके से आप सेल फनल डिज़ाइन करते हो, स्पेशली CRM को कंसिडर करते हुए, तो इस टाइप का आपका वर्क रहेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या जॉब के अंदर आपके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू के अंदर। जो यहाँ पे कंपनी है, मैं कंपनी को भी डिस्क्लोज कर देता हूँ, मैंने स्टार्टिंग में नाम नहीं बताया था। कंपनी का नेम है फेबल स्क्वायर, काफ़ी ज़्यादा रेपुटेटेड कंपनी है जो कि डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल स्ट्रैटेजीज पे ही मेजरली वर्क करती है। तो यहाँ पे आपको करियर में चांद चांद लग जाएंगे अगर आप इस कंपनी से अपना करियर बिल्ड करते हो, क्योंकि यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप के क्लाइंट से डील करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट की नॉलेज मिल सकती है। सैलरी का जो पार्ट है वो आपको इंटरव्यू पे ही देखा जाएगा कि आपको कितनी सैलरी आप डिजर्व करते हो। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता चुका हूँ, अगर फिर भी कोई डाउट है, फिर भी कोई क्वेश्चन है, नीचे कमेंट सेक्शन बिंदास है, कमेंट करें, मुझे बताइए आपको क्या डाउट है। साथ में मैं आपसे एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, नीचे कमेंट करके ना मुझे अपना वर्क फंक्शन एरिया जरूर बताएं। वर्क फंक्शन एरिया मतलब किस इंडस्ट्री के अंदर आप जॉब करना पसंद करेंगे। तो मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग के सबसे ज़्यादा कमेंट आए, लीजिए मैं जॉब लेके आ गया हूँ। आप नीचे टाइप करिए आप HR इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, IT इंडस्ट्री में जाते हैं, नॉन IT इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, BPO में जाना चाहते हैं, जहाँ पे मैक्सिमम कमेंट आएंगे वीडियो आपको वहाँ की मिल जाएगी विद इन 7 days के अंदर। तो मैं सचिन चौहान आपसे मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ। वीडियो को इस तरीके से लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद।